हमारे साथ इस वक्त कुछ चिंतित पेरेंट्स हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जब से ये वीडियो वायरल की कहानी शुरू हुई है, कितना चिंता में हैं आप? चिंता तो होती है जी, गुड़िया है, सभी बच्चियां वैसे तो अपनी वो है, पर जो भी ये हादसा हुआ, जैसे भी हुआ है, जिस लड़की ने भी किया है, कुल मिला के ये बहुत गलत किया है जी। गलत किया है। आप सूटकेस के साथ हैं, आप लोग जा रहे हैं क्या छोड़ के? छोड़ के नहीं जा रहे हैं, एक बार के लाइक मामला एक बार सेटल हो जाए उसके बाद आने का है हमारा। फायदा ही नहीं है, सेफ नहीं है यहाँ पे। अगर सेफ होंगे तो भी यहाँ पे रहेंगे। किसी को अगर सेफ्टी नहीं मिल रही है, सेफ्टी के कारण तो हम हॉस्टल्स में रहते हैं, लेकिन अगर सेफ्टी नहीं मिल रही है तो हम क्यों रहे वहाँ पे? सेफ्टी के कारण ही हॉस्टल में रहते भी, हमारे पेरेंट्स इसलिए हॉस्टल में रहते भी हमारी लड़कियाँ सेफ रहेंगी। अब लड़कियां ही लड़कियों के साथ ऐसे कर रही है, फिर कैसे सेफ रहेंगे हम हॉस्टल्स में ही? और जो कल हंगामा हुआ है उसमें तो कहते हैं कि काफी लड़कों के ऊपर भी लाठियां चली हैं और काफी लड़कियों को भी बोल रहे हैं, हाईवे पे चले गए थे। बल्कि गलत है, लड़के हमारा साथ दे रहे थे, इंसाफ में साथ दे रहे थे, उन पे लाठियां चार्ज करके बहुत गलत किए इन्होंने। लेकिन मुख्यतः क्या होगा आगे भविष्य का? बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं दूर दराज से। आप कहाँ से आए हैं? मंडी डवाली से जी, हरियाणा से आए हैं। और अब क्या सोचा है, बच्चों का क्या फ्यूचर होगा? अब अपनी बेटी के साथ बाकी बच्चियां भी जा रही हैं? हाँ जी हाँ, मेरी बेटी के साथ बाकी बच्चियां भी जा रही हैं। तो कंसर्न है उसको लेके? हाँ, क्या बात हुई? आप एडमिशन जारी रखेंगे? आपको एडमिशन तो जारी रखेंगे जी, ये यूनिवर्सिटी में चलो ठीक है हुआ है, ये तो किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी हो सकता है जी। ये हादसा जो हुआ है, ये इसमें यूनिवर्सिटी का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है इसमें। तो जो बच्चों ने जो गलत किया है उनका वो है जी, वो गलत किया है बच्चों ने। जो भी बच्चियां ने ये वीडियो वायरल किया, बनाया वीडियो बनाया है, उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है जी। सुबह से हंगामा चल रहा है, रात को भी खूब हंगामा हुआ। आप लोग मानते हैं कि ये जो पुलिस बोल रही है कि वीडियो बना ही नहीं था इस तरह का, दूसरी आप लोग क्या कहते हैं? वीडियो बना था, और लड़की का खुद का वीडियो नहीं, उसने दूसरी लड़की का वीडियो बनाया था, और वो रंगे हाथों पकड़े गए थे, बच्चों ने पकड़ा उसको, वीडियो भी उसकी पकड़े हुए, कि उसने खुद ने बोला है कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है, मैंने लड़कों को भेजी है, ऐसे वैसे उसने सारा बोल रखा है। वो वीडियो वार्डन के पास गई है, हमारे पास भी वीडियो है, बट पुलिस और ही कुछ कह रही है, केस का कुछ बना रही है, ये लोग दबा रहे हैं बात को, इनकी गलती है। वार्डन हमारे कपड़ों पे एलिगेशन लगा रही है कि हम कपड़े गलत पहनते हैं, बट इसका ये बाथरूम में भी कपड़ों की बात आएगी। अब ऐसे तो है नहीं रेप हुआ है कि लड़के हमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम को कर रहे हैं। लेकिन किस तरह का हंगामा हुआ, आपको लग रहा है कि दबाने की मामला दबाने की बात हो रही है? लग तो ऐसा ही रहा है, और बाकी आप देखो बोल रहे शाम को कुछ नहीं हुआ, कल बस लड़कियों का ऐसे ही मतलब ऐसे ही हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ शाम को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो रवैया है, कल रात क्या था और आज क्या है? कल रात को मतलब जो बॉयज थे उनके ऊपर लाठी चार्ज हुए, वो लोग हमारे प्रोटेस्ट में साथ देने, हमारे काफी सारे मतलब जितने भी हॉस्टल है, टैगोर हॉस्टल है, शिवालिक हॉस्टल है, एनसी के बच्चे हैं, जाकिर के बच्चे हैं, बॉयज का हॉस्टल है, वो सारे आए थे, उनके ऊपर गेट से निकलने नहीं दे रहे थे, उन लोगों को गेट तोड़ के निकले हैं, हम लोग भी गेट तोड़ के निकले हैं। हम आपको बता दें, हम पीछे से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लड़कियाँ सामने नहीं आना चाहती, आपसे बात करेंगे। क्या मानना है आपका? मेरा तो मानना ये है, देखो कुछ पेरेंट्स हैं जो मतलब लड़के हैं, अनमेरिड हैं, ठीक है, तो सेफ्टी पॉइंट है सबका, ज़्यादा वो न्यूज़ में मतलब होंगी, हाईलाइट होंगी, तो सबका मतलब सेफ्टी पॉइंट खराब होता है, इसलिए वो हाईलाइट नहीं होना चाह रही है। लेकिन सब पर आप पेरेंट हैं, आपके क्या कंसर्न है? सर मेरा तो मैम ये तो मेरा तो कंसर्न यही है, जो लड़के हैं उनको जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल सेफ पॉइंट नहीं है यहाँ पे, वॉशरूम का बाथरूम का कुछ भी नहीं है, और जो वहाँ पे ना वर्कर्स हैं, लेडी वर्कर्स हैं ही नहीं है, कितने तो मतलब मैथ में हैं और हैं, सब बॉयज़ घूम रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, कुछ भी कोई सिस्टम नहीं है। तो सिर्फ ये लीक का मामला नहीं है, बाकी दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें हैं मैम, जब भी तो यहाँ पे मतलब कि मतलब सिक्योरिटी टाइट नहीं थी, जब भी तो ये सब हुआ है मैम, वहाँ वॉशरूम के पास और सब, जब भी तो ये हुआ है मैम, ये एक दो वीडियो तो थी नहीं मैम, 60-60 वीडियो बोल रहे हैं, वायरल हुई है, तो मैडम कहीं ना कहीं तो FIR हुआ है तब मैडम। जो वो लड़की है ना, जो जिसने वीडियो बना रही थी, कल हम लोगों ने देखा, मैं अंदर गई थी तो वहाँ लड़की वो वहीं वार्डन के संग बैठी हुई थी जिसने वीडियो बनाई है, वो बैठी बैठी रोई जा रही थी, उसको वार्डन डांटी जा रही थी, ये सब देखा है वहाँ, जो वहाँ पे थे ना, वहाँ एरिया में थे ना, उन्होंने देखा है, वो वार्डन संग लड़की बैठी थी, ये रोई जा रही थी और कर रही थी वहाँ दोपहर तक थी वो। तो मामला दबाने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पर जितनी लड़कियाँ इकट्ठे हो रही हैं उनको पुलिस ने भी बार बार मिलकर बात करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ पर नाराजगी खास तौर पर काफ़ी ज़्यादा है। कैमरा पर्सन रूफ के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़ आज तक।